नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लंग्स। जो हमारे लंग्स होते हैं उनका क्या कार्य होता है। लंग्स अगर हम देखें तो हमने पहले डिस्कस किया था कि दो होते हैं, एक दायां और एक बायां। दायां फोफस जो होता है उसमें तीन आपको खंड दिखाई देंगे और बाएं में दो दिखाई देंगे, ठीक है। और इसके जो बाहर की ओर एक रचना होती है जिसे बोलते हैं प्लूरा। जो आप ये लंग्स देखेंगे इसके बाहर एक प्लूरा होती है, दोहरी सीरस स्तर होती है, ताकि वो जो इसका जो बाहर का आउटर लेयर है उसको चिकना बनाए रखता है। बिकॉज जो लंग्स होते हैं, जब हम वायु अंदर लेते हैं तो वो फूलते हैं, और जब हम वायु बाहर निकालते हैं तो वो संकुचित होते हैं। तो दैट मीन्स उनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का वर्क चलता है। तो वो जब बाहर जब फूलते हैं तो वो और जो और ऑर्गन से टकराए तो उनमें घर्षण ना हो, फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है। तो इसके आउटर लेयर इज कॉल्ड प्लूरा, दैट वी हैव टू रिमेम्बर। नाउ कम्स व्हाट इज द फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है। अगर हम देखें तो मेन फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अब हम थोड़ा सा पुराना अगर अपना रिवाइज करें हार्ट को, बिकॉज हार्ट इज रिलेटेड विथ लंग्स। हार्ट में जो हमारी वायु होती है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है। सारे शरीर के जो नीचे के अंग और ऊपर के अंगों से शिराएं जो होती है, महाशिरा होती है, वो क्या करती है कि अशुद्ध रक्त को लेकर के हृदय में प्रवेश करती है। ये दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है अशुद्ध रक्त, और उसके बाद फुफ्फुस धमनी द्वारा बाहर निकलता है। फुफ्फुस धमनी की आगे जाकर के दो शाखाएं हो जाती हैं, एक दाएं फुफ्फुस में प्रवेश करती है और एक बाएं फुफ्फुस में। अब ये जो रक्त है कौन सा है, अशुद्ध, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट मीन्स इट इज ब्लूइश इन कलर। फुफ्फुस धमनी जब फुफ्फुस में प्रवेश करती है तो उसकी शाखाएं धमनिकाएं हो जाती हैं, धमनिकाओं की शाखाएं केशिकाएं हो जाती हैं। ये केशिकाएं किसको घेरेंगी, अब वायु कोष्ठ को। जो वायु कोष्ठ है, हमने जो वायु अंदर ली, वातावरण से आपने वायु ली तो उसमें ऑक्सीजन है, तो वायु कोष्ठ को ये केशिकाएं घेरेंगी और उनको क्या देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां से क्या लेंगी, ऑक्सीजन। तो आप ये देखें, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये ब्लू कलर की जो है, दीस आर कैपिलरीज विच हैज गॉट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें अशुद्ध रक्त है। ये वायु कोष्ठिका कोष को, एल्वियोल्स को घेर लिया इन्होंने और उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और वहां से ऑक्सीजन ले लिया। अब ये कैपिलरीज जो है रेड कलर के ऊपर, बिकॉज इनमें अब ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। अब ये केशिकाएं जो है अब वापस आपस में मिलेंगी और क्या बन जाएंगी, शिरिकाएं। शिरिकाएं क्या बन जाएंगी, शिराएं। और ये शिराएं जो है फुफ्फुस शिरा के रूप में दोनों फुफ्फुस से दो दो बाहर निकलेंगी। गई तो एक धमनी थी फुफ्फुस धमनी, और बाहर निकलेंगी दो दो फुफ्फुस शिराएं, और दोनों फुफ्फुस शिराएं दाएं दाएं फुफ्फुस से और दो बाएं फुफ्फुस से, यानी कि टोटल हमारे पास हो गई फोर पल्मोनरी वेन्स। और ये कहाँ प्रवेश करेंगी, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त लेकर के, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो मेन फंक्शन था लंग्स का वो क्या था, रक्त को ऑक्सीजन से संयुक्त करना और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विकार युक्त गैस को बाहर निकालना। तो इस तरह से जो रक्त जो हृदय से रक्त आया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, वो उसने वायु कोष्ठ को दिया और वायु कोष्ठ से ऑक्सीजन ले ली। अब वायु कोष्ठ ने उस ऑक्सीजन को सांस द्वारा बाहर निकाला, फिर ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और ऑक्सीजन अंदर आ गई, और इस तरह से ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। सेकेंड, इसका जो फुफ्फुस का कार्य है, फुफ्फुस संपूर्ण शरीर के अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण करता है। दैट इज वेरी क्लियर कि हमारा पूरा जो ब्लड है उसका शुद्धिकरण होता है किसके द्वारा, लंग्स। लंग्स जो है जो रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर निकालता है और उसके अंदर जो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं उसको रक्त में मिलाकर वापस हृदय की ओर भेज देता है। फुफ्फुस के अंदर धमनी, जो कि संपूर्ण फुफ्फुस में छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित रहती है, उसके द्वारा शुद्ध रक्त आता है और नाक की श्वास क्रिया से आई ऑक्सीजन को ग्रहण करके शुद्ध करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। यह ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा ग्रहण की जाती है और शुद्ध रक्त फुफ्फुस से शिरा द्वारा पुनः हृदय में चला जाता है। यानी कि ये क्रिया हमारे निरंतर होती रहती है, एंड वी नीड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो फंक्शन करना बंद कर देंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सो दिस इज द मेन, वी कैन से दैट दीस आर द मेन फंक्शंस ऑफ योर लंग्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अगर हम देखें तो ये श्वसन क्रिया को आप दो में डिवाइड कर सकते हो, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन।
यानी कि आपकी श्वसन क्रिया में दो विधियां होती हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है, बाह्य श्वसन होता है, उसे हम फुफ्फुस से श्वसन कह सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम वायु द्वारा जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है और वो ऑक्सीजन आपके श्वास नली से होते हुए वायु कोष्ठों में पहुंचती है, और जो रक्त केशिका है उस ऑक्सीजन को अपने अंदर लेती है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचा देती है। यानी कि एक फंक्शन तो हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की सारे ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फुफ्फुस तक पहुंचाना और फुफ्फुस उसको बाहर निकाल देगा। दूसरा फंक्शन हम इसे कहें तो इंटरनल रेस्पिरेशन, कि इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि अब ये ऑक्सीजन जो है रक्त वाहिकाओं के द्वारा कहां जाता है, आलिंद में जाता है और बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता हुआ महाधमनी द्वारा निकलता है और शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है। शरीर की हर कोशिका तक अब क्या होता है ऑक्सीजन पहुंचता है और वहां से फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर शिराओं द्वारा वापस पहुंचाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं कोशिकाओं से। और एक्सटर्नल में क्या होता है, वायु कोष्ठिका कोश में हम कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाते हैं और वहां से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ये हम देखें कि दो प्रकार की हमारे शरीर में श्वसन क्रियाएं होती हैं, एक बाह्य श्वसन हो गया और एक अंतर श्वसन हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि श्वसन तंत्र के मुख्य कार्य क्या है, दिस वॉज द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड दिस ऑल आर रिलेटेड एंड नाउ वी विल डिस्कस इन शॉर्ट व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला हो गया गैसों का विनिमय, ठीक है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैस, वेरी क्लियर, वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है अवशोषण करना, ये अपने अंदर अवशोषित करता है। क्या अवशोषित करता है, वो चीजें जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती उनको बाहर निकालना। जब आप वायु बाहर निकालते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, कई और भी पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती, तो उनको अवशोषित करके बाहर वायु द्वारा बाहर निकालना। ताप का संतुलन करना, आप जो अंदर वायु लेते हो तो वो कई बार ठंडी होती है, कई बार गर्म होती है, तो उसको बैलेंस करना हमारे शरीर के टेम्परेचर के साथ, तो ये कार्य भी श्वसन क्रिया का होता है। उत्सर्जन तो हम कर ही रहे हैं कि ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। जल का संतुलन बनाए रखता है, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, और हम ये कह सकते हैं कि खांसना, छींकना, ये सब क्रियाएं भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से होती है। कि कई बार हमारे शरीर में धूल मिट्टी चली जाती है तो हम उसको छींकते हैं, हमें एलर्जी हो जाती है, हमें खांसी आती है, हम खांसी के द्वारा भी कई बार धूल मिट्टी को बाहर करते हैं। और एक हम कह सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया, नाक के द्वारा आपको स्मेल का बोध होता है, आपको पता चलता है कि यहाँ इस जगह हमें खड़ा होना है या नहीं, या ये चीज़ खराब तो नहीं होगी, हम इसको खाने जा रहे हैं, इसको सूंघ के देखते हैं कि कहीं हम जो वस्तु को लेने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान तो नहीं देगी। कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आती है तो हम वहाँ पे खड़ा रहना पसंद करते हैं और उसको काफी देर तक हम लंबी सांसों द्वारा ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर लेना पसंद करते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।